हर खबर को जानना आपका हक है, उसे आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज। हमारी भरपूर कोशिश रहती है इस रीजन की हर खबर को पहुंचाएं आप तक, निष्पक्षता से, निडरता से, रातदिन। श्री राजल देसर गौशाला में ग्रो ग्राम सेवा संघ व गोपालन विभाग जयपुर के तत्वाधान में गौशाला संचालन संवाद व सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष केसी विश्नोई थे, जिन्होंने बताया कि राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके चलते राज्य सरकार ने बीमार व विकलांग गौवंश के लिए 12 माह का अनुदान देने का निर्णय लिया है। समारोह की अध्यक्षता गोपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर लाल सिंह जी ने की। लाल सिंह जी ने कहा कि गौशालाओं को स्वावलंबन की दिशा में प्रयास करना चाहिए, विभाग स्तर पर जल्द ही इस हेतु योजना बनाई जाएगी। गौ ग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित दाधीच ने सभी पधारे हुए गौ संचालकों, गौ भक्तों व साधु संतों का धन्यवाद किया व कहा कि राज्य में सरकार कोई भी गौशालाओं को अनुदान की कमी नहीं आने दी जाएगी। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सूरज बल सिंह नीम राणा जी ने कहा कि कोई भी पात्र गौशाला आवेदन से वंचित नहीं रहनी चाहिए, जिसके लिए समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रक्रिया को पूरा कर ले। में गौ ग्राम सेवा संघ के प्रदेश महामंत्री राधेश्याम बत्रा जी ने बताया कि देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां गौशालाओं को 9 माह का अनुदान दिया जा रहा है और गौशालाओं को 9 माह का अनुदान दिलवाने में सूरजमल सिंह नीम राणा व ललित दाधीच जी का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके लिए राधेश्याम बत्रा जी ने दोनों का तहे दिल से आभार व्यक्त किया।